नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की जो महत्वपूर्ण खबर है उसे जानना बिहार के तमाम वार्ड सदस्यों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। यदि इस खबर को जानने में चूक गए, इस खबर की जानकारी आप तक नहीं पहुंची, तो आप वैसे पछताएंगे जैसे देहात में कहावत है कि हाथी चलता है तो माटी छींटते हुए चलता है। उसी प्रकार बिहार के वार्ड सदस्य छाती पीटेंगे इस खबर के बारे में यदि समय पर उनको जानकारी नहीं मिली। तो इतना महत्वपूर्ण यह खबर है, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सभी साथियों को बताने का प्रयास कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो खबर क्या है हम आपको बताएं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दबाकर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों बिहार के तमाम वार्ड सदस्य असमंजस की स्थिति में है, ऊहापोह की स्थिति में है। नली गली का पैसा आएगा या सोलर लाइट का पैसा आएगा, कौन सी योजना चलेगी, जो है कि पंप का रिपेयरिंग करवाएंगे या सड़क मरम्मती का कार्य करेंगे। इसी ऊहापोह में वार्ड सदस्य जो है कि लगे हुए हैं और उनको जानकारी भी नहीं है इस बात की कि सरकार अब की बार क्या जो है कि कार्यवाही करने जा रही है और कहां पर पैसों की बरसात होने वाली है। जी हां, पंचायतों में पैसों की बरसात होगी यदि वार्ड सदस्य सक्रिय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो जो है कि उनके घर में उनके हाथ एक सरकारी नौकरी भी लगेगी जिसमें 17,000 रुपया वेतन है। यह नौकरी वार्ड सदस्य अपने घर के किसी योग्य अपने बेटा या भाई या पत्नी किसी को भी इसमें जॉब दिलवा सकते हैं। तो सारा खबर हम विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहे हैं, आप खबर को पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और एक बार फिर चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों वित्तीय वर्ष, जी हां वित्तीय वर्ष 23-24 से लेकर 25-26 तक 9100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं तो बोल दिया, आपने सुन लिया, इसका आकलन आप नहीं कर पाएंगे यदि आपके पास दिमाग नहीं होगा तो। 9100 करोड़ यानी कि जो है कि 100 अरब के करीब रुपए जो है कि पंचायतों में खर्च करने की तैयारी बिहार सरकार ने कर ली है। 9100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, किस चीज़ में खर्च होंगे, पैसे कहाँ आने वाले हैं वो भी हम आपको बताते हैं। पैसे आएंगे स्वच्छता विभाग में, नौकरियां आएंगी स्वच्छता विभाग में, लपकने की बारी वार्ड सदस्यों की आएगी स्वच्छता विभाग में। तो खबर क्या है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर घर से कचरे का उठाव होगा, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का निपटान किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर योजना का क्रियान्वयन करेंगे। स्वच्छता विभाग का खबर बार बार क्यों हम दिखाते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि हम खबर दिखाते हैं और बात वार्ड सदस्यों के सर के ऊपर से गुजर जाती है, वे देख लेते हैं लेकिन खबर की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमको बार बार। अब देखिए आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे हाथे चढ़ी है, हमको सरकार से बात हुई है, सरकार के सूत्रों से जो पुष्टि की गई है उसी जानकारी को हम बिहार के वार्ड सदस्यों के दिमाग में डालने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए स्वच्छता से संबंधित खबर, क्योंकि स्वच्छता ही सरकार के केंद्र में अभी नंबर 1 पर चल रहा है और 9100 करोड़ यानी कि 100 अरब रुपए खर्च करने की तैयारी सरकार ने कर ली है स्वच्छता के लिए। क्या क्या कार्य होगा, कैसे नौकरी मिलेगी, सारा कुछ जो है कि जानने के लिए वीडियो में बने रहें। तो ग्राम पंचायतों में कचरे से कंपोस्ट तैयार करने के साथ साथ बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सरकार की सोच है कि जो कचरे इकट्ठा होंगे उसके लिए जो है कि देखते जाइए बहुत कुछ है, उसमें जो है कि कचरे से कंपोस्ट बनेगा, बिजली का उत्पादन होगा। इसके लिए 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 के तहत, जी हाँ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 केंद्र सरकार की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पैसा देती है, यह बिहार सरकार की योजना नहीं है,
यानी कि बिहार सरकार कह रही है कि 15वां वित्त आयोग जो सेंट्रल का ही है और स्वच्छ भारत मिशन, यह दोनों रुपया जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है, उस दोनों रुपए को इसके लिए 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 के तहत वित्तीय वर्ष 25-26 तक, यानी कि अभी जो चल रहा है उस वित्तीय वर्ष से लेकर 25-26 तक करीब 9100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ग्राम पंचायतों में औसतन 125 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि एक पंचायत को एक वित्तीय वर्ष में 1.25 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए जाएंगे, 1.25 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। एक वित्तीय वर्ष में 1.25 करोड़ रुपए सरकार इस मद में भेजेगी, इसी से वेतन दी, वेतन मद इसका अलग है, वेतन के लिए जो पैसा आएगा वो अलग है। 1.25 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, सभी 872 ग्राम पंचायतों में एक एक स्वच्छता पर्यवेक्षक और पंचायतों के सभी 1,13,307 वार्डों में एक एक स्वच्छता कर्मी की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। तो स्वच्छता पर्यवेक्षक जो होगा वह पंचायत स्तर पर होगा और 1,13,307 वार्ड हैं जो कि बिहार में अभी कुल वार्डों की संख्या 1,13,307 बताई जा रही है, उन सभी वार्डों में एक एक स्वच्छता कर्मी की बहाली होगी। वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी पर पहुँचने वाले हैं। संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। पंचायती राज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हर पंचायत को कचरे के उठाव के लिए एक ई रिक्शा उपलब्ध कराई जाएगी। ई रिक्शा 5 लाख रुपए की दर से खरीदी जाएगी। इस पर वित्तीय वर्ष 25-26 तक 41,936 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सिर्फ ई रिक्शा पर। ई रिक्शा के रख रखाव के लिए 419.35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे उसके सिर्फ रख रखाव पर। ग्राम पंचायतों में कचरा प्रबंधन के लिए जमीन खरीद की जाएगी, जमीन खरीद की जाएगी और इसका विकास भी किया जाएगा। इसके लिए पंचायतों को 20 लाख रुपए अतिरिक्त राशि मिलेगी और पूरे राज्य में 1677.40 करोड़ रुपए की खर्च की जाएगी। ग्राम पंचायतों में कचरे से कंपोस्ट बनाने और बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए हर पंचायत को 20-20 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इस योजना पर 1677.42 करोड़ रुपए की लागत आएगी। राज्य के सभी 8,872 पंचायतों में 1,13,307 वार्डों में स्वच्छता कर्मी की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। स्वच्छता कर्मी का मानदेय 17,000 रुपये महीना मिलेगा। अब बताइए, प्रत्येक वार्ड में एक एक स्वच्छता कर्मी की बहाली होगी और उसका वेतन 17,000 रुपये मिलेगा और उसके कर्ता धर्ता वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति है, क्योंकि पंचायत स्तर पर जो पर्यवेक्षक की बहाली होगी उसे मुखिया जी करेंगे और वार्ड स्तर पर जो स्वच्छता कर्मी की बहाली होगी उसको वार्ड स्तर वार्ड सदस्य करेंगे। तो विदित हो कि बिहार में वार्ड सदस्यों के परिवार में भी पढ़े लिखे इसके लिए डिग्री ज़्यादा नहीं चाहिए, मैट्रिक पास चाहिए। वार्ड सदस्य का बेटा, वार्ड सदस्य का भाई, वार्ड सदस्य की बहन पत्नी कोई भी जो है कि इसमें आवेदन दे सकती है, उसके लिए स्वतंत्र है और उसका चयन वार्ड सदस्य कर सकते हैं। यदि इसको लपकने का काम वार्ड सदस्यों ने कर लिया तो आजीवन 17,000 रुपये मानदेय तो मिलेंगे ही और जो है कि वार्डों के विकास में जितनी राशि हम बता रहे हैं वह सारी राशि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समितियों के माध्यम से खर्च होंगे। कुछ मूर्ख लोग हैं चैनल पर, महामूर्ख हैं, जो कहते हैं इसमें वार्ड का क्या है, रे भाई तुम्हारा कहीं कल्याण नहीं होगा, चैनल छोड़ो, खाली करो, मत देखो न्यूज। मूर्खों की बात में नहीं आना है, अपनी सक्रियता बनाए रखना है, अपना जो शासन करने का अधिकार वार्ड सदस्यों को वार्ड पर मिला है उसी कड़ी में जो है कि यह सारे कार्य होने वाले हैं। इसलिए नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहें, बच के रहें, सकारात्मक सोचें और जीवन में सफलता को हासिल करें। नकारात्मक लोग नकारात्मक कमेंट करते हैं, उनको मैं कह देना चाहता हूं कि मजबूरन मुझको अपशब्द और असभ्य भाषा का प्रयोग आपके लिए करना पड़ेगा। मेरे चैनल पर मैं किसी को न्योता नहीं दिया हूँ कि आकर मेरा वीडियो देखिए, पसंद नहीं आए
तो चैनल को स्किप कीजिए, मत देखिए, अपना संस्कार हमको मत दिखाइए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता कर्मियों को 17,000 रुपये मासिक मिलेंगे, इस पर करीब 1,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। यह सारा पैसा अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि पंचायतों में खर्च होने वाले हैं, और यह सब कुछ खर्च होगा स्वच्छता अभियान पर। तो अब की बार पैसों की बारिश कहाँ होने वाली है, स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार ने कमर कस लिया है और इसी में जो है कि रुपए की बरसात होने वाली है। हर पंचायत में एक एक स्वच्छता पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। स्वच्छता पर्यवेक्षक को 20,000 रुपये मानदेय दिए जाएंगे। सभी 113,307 वार्डों में 2 स्वच्छता का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वच्छता का निर्माण भी किया जाएगा। तो यह जो है कि सारा खबर हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद भी हम इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को आपको देते जाएंगे। इस खबर को बिहार के तमाम वार्ड सदस्य देख ले, जान ले और समझने का प्रयास करें और अपनी भूमिका को निभाएं, अन्यथा बाद में आपको पछताने के अलावे कुछ हाथ नहीं लगेगा। समय पर जानकारी लीजिएगा तो उससे लाभ उठाइएगा। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दबा कर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय